तो अभी देख, ये देखा ना आप बोल रहे थे ये दवाई है ना नीचे पहुंच गया ना, नीचे पहुंच गया ना, और अब पकड़ लो आराम से। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुंच गए हैं अभी हम ना, अपनी तरफ को करो। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जा रहे हैं हम, थोड़ा भरने को लगी हुई है भूख ना, तो ये मैं इसको बोलूँगी जूस ही पी सिर्फ। तो ये देख सकते हो अभी इसको एक्चुअली लगी हुई है भूख ना वंदना को। तो मैं सोच रही हूँ ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सब खाती चलती हूँ। मैंने तो वैसे भी पता क्या है, मैंने तो जूस ही पीना है, और मैं इसको बोला तू भी जूस पी ले, पर ये बोल रहे कि नहीं भूख लगी हुई है इसको। नहीं तो मुझे तो भूख लगी क्योंकि मैंने लंच में भी सिर्फ जूस ही पिया था ना, और कुछ नहीं खाया था। पर मैंने तो यार वो मुझे भटूरे और चने दिखाई दिए थे ना, मेरे को सब्सक्राइबर का फोन आया था एक। नहीं नहीं वो मुझे मिल गए थे वहाँ पे, मैं खा रहा था वो देखा ना मैंने, मैंने कहा रहा नहीं गया मुझे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा खा लेता हूँ एक आधी पूरी वगैरह में। पूरी नहीं, वो छोक चने थे दाल मखनी और आँच पूरी वगैरह थी वो, तो मैंने कहा चलो। तो फिर तो उन्होंने बताया मेरे को क्या है कि बोला संजू भाई खा रहे थे बोला कुछ। हाँ हाँ मैंने कहा चल, बंदा ने बोला कि यार मैंने खाना, मैंने कहा चल खिला देते हैं इसको वहीं पे ले जाते हैं। और मैं वहाँ देखो इतनी पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ इतनी पढ़ाई कर रही है एक्चुअली, इसकी क्लासे लगी हुई थी ना, तो ये वो वहाँ बैठी हुई थी 4 बजे तक इसकी, जरा इन्होंने सोचा मौका है चक्का मार लूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहीं पे था मैं सामने। 4 बजे तक नहीं, 4:30 बजे आ जा, मैं आधा घंटा जल्दी भेज जाऊँ उन्होंने, और सुबह से लगती है। हाँ सुबह से लगती है क्लासेस ना इसकी, एक्चुअली सिलेक्ट हो गई है ना ये बात, तो वो है ऐसी सी बातें हैं। तो आई इसलिए हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग कर रही है हफ्ते की, पहले लुधियाना में किया। इधर भी है कुछ बादाम शेक, फ्रूट स्लाइस, फालूदा, ये भाई वहीं पी भी था वो सेम वहाँ पे अपने वहाँ भी है याद है अपने के मिलने बात में। नहीं है यहाँ जूस ले या तो फिर वो खा ले, पर वो ज्यादा हैवी होगा एक बात बताऊंगा। नहीं तो मैं भटूरे बटारे नहीं खाने, ऑयली चीजें नहीं मैं खाती। ऑयली हाँ तो वो दूसरी खा सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे काफी ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो थोड़ा हमको ना बच के चलना पड़ता है, नहीं कोई जाना क्योंकि ना फिर पैदल चलने में ना मेरे पैरों में छाला पड़ा है। दिखाते हैं आपको यहाँ पे इस टाइम काफी ज्यादा माहौल गर्मा गर्मी, यहाँ पे खिलाए थे मैंने इसको, मैंने कहा यही खा रहा था और यही अचानक से इसको मिल गए। ये देखिए यहाँ सारा है, ये वैसे है सब कुछ है, तो मैं बस यहीं पे खा लेती हूँ। खाली लगी हुई है मार्केट तो, क्या खाना है जो भी खाना है यहाँ पे पूछते हैं क्या क्या बढ़िया बढ़िया है, क्या है यहाँ का फेमस वो खा लेते हैं। मतलब है ना मेरे से पूछ रहे हैं ना जनाब कि क्या खाना है, क्या है? तो मैं इनको ये बोल रही हूँ ना कि भाई देखो ना मैं रोज तो आऊंगी नहीं इधर दिल्ली है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ चखना चाहती हूँ। मतलब जो मैंने नहीं खाया है ना वही चखूंगी, अब ऐसे हर चीजें थोड़ी ना चखती फिरूंगी, अब उसमें देखो थोड़ा बजट का भी देखना पड़ता है ना, उस हिसाब से ही खाऊंगी। कुछ नहीं, एक दो दिन से वजन नहीं बढ़ेगा, वजन का भी और बजट का भी दोनों बढ़ेगा। वजन तो वो तो मुझे पता है कितना मेहनत लगती है ना उसको घटाने में। हाँ। बट यहाँ पे मुझे कुछ फालूदा फालूदा दिख रहा था, मैं सोच रही हूँ ट्राई कर ही लेती हूँ, पर चलो आगे तक घूम के तो आ जाते हैं ना एक बार भी। हाँ, देख लेते हैं भी क्या है। हाँ। पर आप है कि ऐसा करना नहीं चाह रहे यहाँ पे मोमो वगैरह, ये तो सब कॉमन चीजें। देखो आगे तक सारे स्टॉल लगे हैं, ये क्या मार्केट लगी है कि क्या है भाई? वैसे ही लगी होती है यहाँ शॉप पे हर चीज की है। अच्छा मतलब दिल्ली में ऐसी चमक चमक रहती है, हिमाचल में नहीं होती ना इतनी। ये कुछ नया है, ये क्या है भैया? इसको क्या ऐसे भून के खिलाते हो, क्या कर रहे हैं? काट के पीस करते हैं। फिर कितने का देते हैं एक प्लेट? 50 का 250 ग्राम, ग्राम के हिसाब से। अच्छा और ये क्या लगा है इस पे? अमरा कट, अमरा कट इसको भी इसी में डालते हैं। वैसे आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटी टाइप, जैसे आप फ्राई नहीं खाना चाहते, ऐसे नहीं खाना, तो ये बढ़िया है। मतलब देखो क्या वो क्या रहा है ये, इधर दूंगा मैं गर्म कर रहे हैं इसको, पक जाएगा ऐसे ही पका हुआ है ये, बस पक के इसका छिलके निकाल, चलते चलते थोड़ा छिलका निकालना है, पीस पीस करने आँख से चख ले। लगाओ भला भैया एक, हाँ जी बनाए एक प्लेट ही बनाना, एक ही बनाना, हाँ जी
ये ना खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं ही हूँ इंटरेस्टेड। अच्छा ये धुएं से ही पक गया? अरे नीचे आग जलाई हुई है भाई। ये बुरादा, ये बुरादा उसका ही है, लकड़ी का ही? लकड़ी का। अच्छा मीठा होगा शकरकंदा तो, ये देखिए मीठा होगा ये। मीठा होता है, खट्टा बना दिया। एक दिन खिलाया तो था मैंने तुझे कहीं पे यार। तू तो झूठ बोल रहा है, मैंने कभी नहीं खाया। भाई खिलाया था, पहली बार ही खा रही हूँ। क्या बात कर रही है। खिलाया होता ना खाने के बाद याद आ जाए, शेयर किया होता बताना आप कमेंट करके। अगर आपने कभी ऐसे खाते हुए नहीं, नहीं अगर आप ये कमेंट करेंगे अगर कभी देखा था खाते हुए और आपको खिलाते हुए। अब ये पता नहीं कहाँ खिलाया था मैंने। चलो ठीक है ना, पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ क्या क्या कर रहे हैं। क्या बस यही डाला चाट मसाला और ये क्या खट्टा है? इमली का पानी। और ये जो आप ये हरा हरा बोल रहे थे ऊपर से लगा हुआ है, ये तो ये नहीं डालेंगे? नहीं वो अलग से आता है, वो अलग था। आपको खाना है क्या? अलग से बेचते हो? अरे नहीं बस इतना ही काफी है भैया, आपने बना दिया इतने बड़बड़ा है। वही है ना पतिदेव हमारे यहाँ ज्यादा नहीं खिलाना चाहते ना, बोलते हैं कि मोटी हो जाएगी ज्यादा खाएगी तो, इसलिए। तो मैं क्या इसका रिव्यू भी देती चलती हूँ ना, खाने में टेस्टी है कि ऐसे ही है? टेस्टी है। नींबू किस तरह का है? इमली की चटनी डाल दिया ना इन्होंने। हाँ और फिर बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा फील आ रहा है। आलू है ना बॉइल किए हुए? हाँ बस वही मैं बोल रहा था, वही सच में। लो खाओ आप। नहीं नहीं मैंने खाने में ट्राई तो करना पड़ेगा, ट्राई तो आपको भी करना पड़ेगा। नहीं 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 करो, हम आपको ट्राई करते हुए दिखा रहे हैं ना, तो आप जल्दी से ट्राई करें और खाएं। कैसे है? बोल रहा था उसलिए उस वक्त। नहीं पर इसके बहुत बेनिफिट है हेल्थ के लिए ना, तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना भैया। मोट कचौड़ी दाल की बनती है ना, और ये मैं चखने वाली हूँ। तो अगर आप इसमें, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ पसंद आ रही है सब सारा टेस्ट कर लेके एक चीज़, नहीं तो ताकि मैं तो मतलब ये वो ना रहे कि ये चीज़ नहीं खाई और बाद में बोले कि ये चीज़ नहीं खाने दी मुझे। वही मैं कौन सा रोज रोज दिल्ली आने वाली हूँ ना, चक्कर तो ये है। अब जब रोज रोज दिल्ली आने वाली दिल कर रहा है तो जो दिल करेगा तो सब कुछ खा लेती हूँ मैं ऐसे। ये क्या है वैसे? ये इस पे लिखा हुआ है मोट कचौड़ी है ना, मोट चावल है। किस चीज़ की बनी हुई है ये? दाल की बनी है बोला भैया, अभी देंगे ये पता नहीं क्या है जैसी है मतलब वैसी वाली कचौड़ी है, बट वैसी वाली नहीं है ये। ये मतलब कुछ पापड़ी जैसे हम लोग पापड़ी नहीं, वो मतलब चाट पापड़ी नहीं खाते हैं, लाइक वाइज वैसी लग रही है देखने में। दो भी तक आई, बाकी खाने के लिए बात मैं बताती हूँ। खाके चटपटे से बना, हाँ जरा बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया टेस्ट होगा तब बोलना। आप भी देख चख सकते हैं। मैं नहीं खानी ना भैया, ऑयली चीज़ ज़्यादा हो गया पूरे दिन में, इतना भी नहीं खाना है। नहीं नहीं उतनी ऑयली नहीं है, थोड़ा सूपी टाइप है ना। देखो वही चटनी चुटनी डाली है ना, देखो। नहीं नहीं और साथ में चावल भी है, किस में दिखा दूँ? देखो चटनी चुटनी डाली है, प्याज प्याज डाला है, पापड़ी डाली है और साथ में ये चावल भी है कुछ। मुझे लगा था वैसी कचौड़ी होगी जिसमें हम जैसे बनाते हैं ना, दाल भरते हैं उसमें। अच्छा वो अलग होती है अपने वहाँ पे मंडी वाली, ये अलग की कौन दिल्ली वाली है। तो वही तो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना खाने को। ठीक है अच्छी अच्छी बात। एक बार घुमाना था भैया कि हो क्या रहा है अभी, अब जाके मुझे समझ आया कि दाल ये है और ये है इधर वो। तब वो अलग से वो होती है मिक्स इसके अंदर। तब आएगा मिक्स का। नहीं मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा था, मैं बोलूँ तो बोलूँ ये हो क्या रहा है। अब तो आ गया ना समझ, अब समझ आ गया कि क्या है पूरा लॉजिक इसका। नहीं तो मैं आपको भी नहीं बता पाते ना लॉजिक था क्या। आगे नेक्स्ट उसमें तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग रोल दिख रहा है ना, तो उसका प्राइस ये बता रहे हैं 70 रुपए की है दो पीस है ना। तो और साथ में ये रबड़ी फालूदा है ना, गिलास में मिलता है कुछ जूस तो होता है सिर्फ ये। मैं सोच रहा हूँ इसको भी ट्राई। शेक होता है ना ये, अच्छा होगा जूसी अच्छा ये वो अलग है
ये अच्छा वो अलग है भैया, पास ऐसा करो ना, एक स्प्रिंग रोल ही दे दो, एक ही एक ही, यही खाने वाले हैं। हाँ? दो खा ले। नहीं दो नहीं, मैं खाऊंगी ना ज्यादा हो जाएगा। और कुछ नहीं है, तीन खा ले। मतलब कितना खाऊंगी ना, मतलब आप मेरे को कंपनी भी नहीं दे रहे हो तो क्या करूं। देखो ये मेरे को कंपनी नहीं दे रहे हैं ना, चार बुरी बात है। एक ही देना स्प्रिंग रोल ना, मीडियम बड़ी, पता पता वाली दे, पट्टी वाली दे। गर्म है बहुत ना, कुछ नहीं है ना, इतना अगर ठंडे में करेगी नहीं नहीं टाइम ज्यादा लग जाएगा। बढ़िया टेस्ट, गर्मा गर्म में खा सकते हैं। बढ़िया टेस्ट है बिल्कुल, ऐसे ही है। इसमें नहीं चौमिन जैसे डाले है कुछ? हाँ डाले होंगे वो, क्या ना उसके। और जो चटनी है ना बहुत चटपटी है, मैंने सोचा इसमें वेजेस डाली होगी स्प्रिंग रोल में, ऐसे मतलब वेजेस होती है ना। पर चलो बढ़िया है, कुछ अलग हटके बढ़िया है। हाँ ठीक है, बट उससे जो कचौड़ी खा के आए ना, हाँ, उससे टेस्टी नहीं है वो ही है। गर्म खाया अब ये, इसमें ठंडा खाने का थोड़ा कम से कम वो मुझे अच्छा लगा ना, तो अच्छा टेस्ट लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। लो हाँ बोलिए, हंसी मुझसे बोलिए। पहले गर्म खाओ फिर ठंडा खाओ, फिर ठंडा खाओ फिर गर्म खाओ, जीत को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा ना गर्म के बाद एकदम ठंडा। अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बात ऐसी है ना, अपने अपने काम की पड़ी है। इनको टैबलेट लेनी है अपनी। इन्हें पता नहीं क्या बोल लिया था रहा। किधर केमिस्ट की शॉप ना, इस लेन में बताई थी लास्ट में। इधर ही बोला, हाँ यहाँ तो है नहीं। दिन में तो ऐसा कुछ नहीं था ना इधर, तो रात में होती है मार्केट ना, रात में लगती है। हाँ। तो कितने बजे तक लगी रहती है? शाम तक 8-9 बजे तक। अच्छा है नहीं है केमिस्ट्री तो, या भी केमिस्ट की शॉप कहाँ पे है? पीछे रह गई, दे टैबलेट ले आनी, मोबाइल देते पकड़ के रखो, मैं बोल ही रही हूँ। अब हमारे पी रहे हैं, पीने चाहिए गन्ने का जूस, वही तो ये चीजें निकाल रहे हैं और पी रहे हैं। फ्रूट की चीजें क्या खाने, जूस की शॉप पे आए हैं और मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलते रहिए। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि यार जूस पीना चाहिए, जूस से हेल्थ भी अच्छी रहती है। वो क्या ऑयली चीज़ें खाते हैं, कभी ये खा लिए उससे हेल्थ ऐसी, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी बीपी बढ़ जाता है। ये खाओ, ये पियो ना जूस, फ्रूट जूस पियो। हाँ शरीर भी बढ़िया रहे, गन्ने का जूस, डिहाइड्रेशन हो गई है मुझे तो पूरी, गन्ने का जूस पूरा ठीक कर देगा, ठीक कर देगा वो तो सही है। बट पता क्या है ना, टेस्ट भी तो पता होना चाहिए ना, ये चीज़ खाने में ऐसी है, ये चीज़ ऐसी। बस मैं टेस्ट लिया, कल से मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कल से बस मैं जूस ही पिया करूंगी। वैसे भी आज भी मैंने जूस ही पिया था ना, बट ये होता है कि भाई थोड़ा, अब भाई दिल्ली आए हैं तो थोड़ा सा स्ट्रीट फूड का मज़ा भी तो लेना पड़ेगा ना, इस वजह से खाया हमने। ठीक है ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखिए आपका नींबू डाल देना भैया, जूस हो गया जी रेडी इनका, बढ़िया फ्रेश जूस बनवाया इन्होंने। ये मेरा गन्ने का जूस रेडी हो गया, गन्ने का जूस हो गया रेडी, साथ में डलवाएंगे इसमें नींबू और मज़ा आएगा इनको। मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है ना, कि ये मेरे को बोले थे तू पी ले, पीना है? नहीं बिल्कुल नहीं पी सकते, आइसक्रीम खाई ना उसके बाद तो मतलब कुछ ना खाने का मन है अपना। वैसे दूसरा जूस तो पी नहीं सकता, उसके बदले यही पी रहा हूँ। अच्छा ये जूस है, कमी खल रही है जूस पीने की ना। यहाँ पे आम भी है, आम ये बढ़िया है, बैठ जाए आराम, बैठिए आप और पिए आराम। मेरी टांगों में हो रही दर्द ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप पिए आराम से पी सकते हैं। टांगों में पूरा दिन चलते रहे ना बाइक और यार। आपके पैर टांगों में दर्द हो रही है ना सिर्फ, और मैं अभी नहाई ना और रूम पे पहुँचते ही तो टांगों में मेरे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दिखाऊंगी आपको रूम में पहुंच के ना, पूरे यहाँ यहाँ तक स्वेलिंग, और पैर इतने मोटे मोटे हो रखे हैं मेरे, भी फूल गए हैं, सूज गए हैं ज़्यादा मेरे तो, क्योंकि हम लोग ना बस बैक टू बैक हमारा पूरे दिन रात सफ़र ही चला रहा,
सफर 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 उसकी वजह से फिर टांगों में मतलब जैसे लटकी रही ना टांगे बस में बैठे थे हाँ। लगातार चले हुए हैं सोचो उस दिन से चले ही हैं। पहले कहाँ गए हुए थे? पहले लुधियाना, लुधियाना से आए, उन्ना से लुधियाना गए, उन्ना उन्ना से लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ से दिल्ली, ऐसे तो मतलब चला ही है तब का सब काम प्रोग्राम और इस वजह से फिर ये हालत हो रखी है। चलो आप तो रिकवरी अच्छी कर रहे हो वैसे जूस पी के ना, मैं ही हूँ पागल जूस नहीं पर नहीं वो लास्ट वाला तो भाई सच देखो मैं जो मेरे को एक्चुअल में लगा वो ही बता रही हूँ जो लास्ट में जो मैंने वो खाया ना। तेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो जो मैंने लास्ट में पिया ना क्या बोलते हैं उसको पिया नहीं खाया स्प्रिंग रोल, इतना बेकार था ना वो, उसमें उन्होंने वो चाउमिन चाउमिन से डाली हुई थी और उसमें फीलिंग आई ऐसे कि मैंने ऑयली चीज़ खाई कोई। अदरवाइज जो जो कचौड़ी वाला वो दाल क्या था वो है ना वो मेरे को बड़ा टेस्टी लगा। कचौड़ी के नाम पे मैंने सोचा था ना भाई जैसे कचौड़ी हम बनाते हैं फ्राई करते हैं दाल उसके अंदर डाली होती है, मैं क्या भाई उस तरह की होगी पर भी ये लोग किस तरह से बनाते हैं ना, मैंने उस चक्कर में खाई वो, पर वो दाल वो दूसरी वाली दाल थी जैसे बाद में दिखाई है उन्होंने ना, थोड़े थोड़े चावल डाले थे उन्होंने, चटनियाँ डाली थी और साथ में प्याज डाला था, तो मतलब ज़बरदस्त टेस्ट था, थोड़ा सा खट्टा मैंने और डलवाया था ना क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद है फिर। और बाकी जो नीम इसका जो मूली का अचार वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला राई ना क्या बताया था राई डाल दी, राई डाल और हल्दी डाल के थोड़ा सा हल्का बॉईल करते हैं उसको, फिर उसमें नींबू का रस डाला हुआ था, खट्टा था मतलब बढ़िया एकदम मस्त था। चलें